हम फिर आए हैं खेत की तरफ। ये देखो ये आलू है, ये वाला आलू है जो मेरे पीछे है, ये आलू है। इस आलू में तो बावड़ा जो है कट गया है और आलू अभी पड़ा है खोदने के लिए। ये भी आलू है, ये गर्मी वाला है, गर्मी में जो खोदा जाता है वो वाला आलू है। ये सब पीछे वाले हैं और ये पीछे भी इधर भी आलू सब तरफ है। और सरसों भी है, ये पेड़ है, इसमें एक ये वाला है जो गेहूँ बोया हुआ है। और पीछे देखिए ये सरसों है, कितना अच्छा लग रहा है, सरसों है ये। हम जा रहे हैं और इधर भी बाघ है, ये देखिए ये बाघ है, बाघों सब है। ये लहसुन बोया हुआ है इसमें और गेहूँ बोया है, धनिया भी है, काफ़ी चीज है। सरसों है पीछे, पीछे सरसों भी है। ये देखिए ये बगीचा है पीछे और इसमें भी अभी गेहूँ बोया हुआ है और काफ़ी चीज़ है अभी खोदा। ये देखिए यहाँ पास आ गए हैं खेत की तरफ, जो है बैर वैर है, बैर हम सोचे खा लेते हैं। ये मज़ार है पीछे और इंजन उंजन लगा था पहले, अब पहले इंजन वाला सिस्टम था वो था। अब ये बैर देखिए हम खाने आए हैं, ये बैर है काफ़ी तगड़ा फरा हुआ है। ये देखिए ये पूरा जो है बैर दिखा दे रहे हैं, ये देखिए कितना सारा बैर फरा हुआ है, कि पूरा जो फरा है बैर है, पूरा पूरा पेड़ लदा हुआ है बैर से, देख रहे हैं ये पूरा बैर ही फरा हुआ है एकदम, काफ़ी बेहतरीन तरीके से लग रहा है। ये बहुत पहाड़ी पेड़ है, ये देखिए ये देखिए बहुत अच्छा फरा हुआ है बैर, क्योंकि हम सोचते हैं खाने के लिए। ये देखिए बिल्कुल पका हुआ है, लोग इसको किस वजह से नहीं तोड़ पाते क्योंकि ताके रहते हैं। मैं पूछ के खा रहा हूँ, ये देखिए कितना अच्छा फल हुआ है, अच्छा स्वाद है इसका। स्वाद बढ़िया है, एक नंबर। देखिए चारों तरफ घूम के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए इधर सरसों बोया है, सरसों है। ये तोड़ लिए हैं, पका बेहतरीन है, पका हुआ बेहतरीन है, खाने में बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल देसी वाला है लेकिन बढ़िया लग रहा है खाने में, एक नंबर। सरसों एक गेहूँ है, देखिए तोड़ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है खाने में, देसी है लेकिन खाने में बेहतरीन है। ये देखिए कितने पास पास लगे हुए हैं। बहुत पास पास लगे हुए हैं। जमीन में भी पड़े हुए हैं। देखिए कितना फरा हुआ कितना है। चल रहे हैं अब, खा चुके हैं, ज़्यादा खा का है, खा चुके हैं। चलिए आज का इतना ही वीडियो है।